साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार त्याग देने वाले पूर्व सीएम कल्याण सिंह के प्रति पार्टी नेताओं की अगाध श्रद्धा का समंदर उनके निधन पर देखने को मिला था। उनके सम्मान में योगी सरकार ने राजधानी स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट में अपने पूर्व नेता की प्रतिमा स्थापित कराई, जिसका अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि यानी 21 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होगा। देखिए इस रिपोर्ट। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि। सूबे की योगी सरकार भव्यता के साथ मनाएगी पुण्यतिथि। कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। 9 फीट ऊंची है ये प्रतिमा। पूर्व सीएम ने राम मंदिर के लिए सत्ता को मारी थी ठोकर। हिंदुत्व के पहले प्रबल और प्रमुख चेहरा थे कल्याण सिंह। राजनीतिक संत थे कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि 21 अगस्त को है। सूबे में लोध बिरादरी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी और सूबे की योगी सरकार भव्यता के साथ मनाएगी। इस अवसर पर लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। सीएम योगी का कहना है कि कल्याण सिंह एक राजनीतिक संत थे, जिन्होंने सत्ता से ऊपर श्रीराम को स्थान दिया। अब 21 अगस्त को ऐसे संत का सम्मान कर उनकी छवि के सहारे सीएम योगी लोध राज्य में भाजपा के आधार को मजबूत करने में जुटेंगे। गौरतलब है कि कल्याण सिंह का निधन बीते वर्ष हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता उनके निधन पर लखनऊ पहुंचे थे और उनकी याद में अब लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में कल्याण सिंह की 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई कांस्य की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में 21 अगस्त को योगी सरकार के तमाम मंत्री और भाजपा के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सीनियर मंत्री भी कल्याण सिंह को याद करेंगे। बता दें कि भाजपा के यूपी में कल्याण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके ही दिशा निर्देश में ही भाजपा यूपी की सत्ता तक पहुंची। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा में मंडल और कमंडल के गठजोड़ थे। भाजपा को उन्होंने नया आधार दिया था। कल्याण सिंह भाजपा के अकेले नेता थे जिन्हें बाबरी ढांचा ढहाए जाने की सजा अदालत ने दी थी, जबकि पार्टी के बाकी सब नेता बरी हो गए। कल्याण सिंह हिंदुत्व के पहले प्रबल और प्रमुख चेहरा बने और राम मंदिर पर कुर्बान होने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे। यही नहीं, कल्याण सिंह राज्य में अति पिछड़ी जातियों की पहचान करने और उन्हें पार्टी से जोड़ने वाले शिल्पकार भी थे। देश और सूबे की लोध बिरादरी उन्हें अपना नेता मानती है। यूपी में लोध बिरादरी का करीब 8% वोट है। ऐसे में कल्याण सिंह की मूर्ति की स्थापना लखनऊ में करते हुए भाजपा उनके प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन कर लोध समाज को उनका हितैषी होने का संदेश देना चाहती है। इसी क्रम में भाजपा और सीएम योगी ने प्रदेश भर में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाने का फैसला किया है। इसके जरिए भाजपा और मुख्यमंत्री जनता को ये बताएंगे कि भाजपा अपने नेता और समर्थक दोनों का सम्मान करती है, उनके योगदान को भुलाती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच एक अलग ही पहचान तो बनाना चाहते ही हैं, साथ ही उनको सम्मान और श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।